Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Guys, today we will be discussing a new topic which is related to working capital. So, the topic will be, what are the factors which affect working capital? So, in the previous lecture, we discussed what is working capital, meaning of working capital, types of working capital. So today we will be discussing the factors, or we can say the determinants. So वो कौन-कौन से factors हैं जिन factors को लेकर के working capital की requirement उन factors पे depend करती है. So let's start the topic in detail. So what will be the learning objective? इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको क्या सीखने को मिलेगा? We will be discussing the different factors which will affect the working capital requirement. So guys, you know it very well कि working capital जो है ना ही तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा working capital होगी तो आपके funds extra पड़े रहेंगे, बेकार पड़े रहेंगे, और अगर कम working capital होगी तो आपके पास रुकावट पैदा होगी प्रोडक्शन में, आपके जो कैश है वो आपके पास कम हो जाएगा, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे वेजेस वगैरह की. तो वर्किंग कैपिटल जो है वो एक ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए. तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, बट उनमें से कुछ जनरल हम जो फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की नेचर कैसी. देखिए, अगर आपका बिजनेस जो है, अगर आप बात करो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज जो हैं, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज कौन सी होती हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, वाटर हो गया, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो यहां पे जो गवर्नमेंट कंपनीज लगी हुई हैं इनको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. व्हाई? बिकॉज ये जो कंपनीज हैं इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स एसेट्स में ज्यादा होती है, बड़े बड़े इनके पास प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे रेलवे है उसके पास फिक्स एसेट्स ज्यादा है, इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है. लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दीस काइंड ऑफ कंपनीज. दूसरा ये कि ये जो सर्विस देते हैं तो उसकी पेमेंट जल्दी ही मिल जाती है इनको. जैसे आप ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में आपने टिकट लिया तो उसी टाइम आपने पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में भी विद इन वन मंथ आपको बिल आ जाता है. तो सर्विसेज जो है वो फास्ट होती है और सर्विसेज की आप पेमेंट भी जल्दी करते हो. तो पब्लिक यूटिलिटी कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है या फाइनेंशियल कंपनी है तो इनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी फिक्स एसेट्स कम होती है, तो इनको ज्यादा कैश रखना पड़ता है, इनको उधार में देना पड़ता है, इसलिए डेटर्स इनके ज्यादा होते हैं. स्टॉक में भी इनको काफी रखना पड़ता है, इमीडिएटली कभी भी इनको बेचना पड़ सकता है. तो पब्लिक यूटिलिटी को लेस वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल कंपनीज को ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो हमारे इन दोनों के बीच में आ जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग को पब्लिक यूटिलिटी से ज्यादा और ट्रेडिंग और फाइनेंशियल कंपनी से कम. तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उनको बीच का रखना होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस. दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ द बिजनेस. देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका साइज बड़ा होगा, इफ यू आर हैविंग अ लार्ज साइज, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो बिजनेस का साइज बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिएगी, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. देखिए, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप एक्सपेंड कर रहे हो, नई मार्केट में जा रहे हो, नए प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो, नए नए आप डिजाइन लेके आ रहे हो, तो अच्छी आप ग्रोथ कर रहे हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं, जो कंपनी अपना बिजनेस ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उस बिजनेस की बजाय जो ग्रो नहीं कर रहा या वो डिक्लाइन कर रहा है. तो जो बिजनेस ग्रो कर रहा है,
जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल देन दोज हु आर नॉट राइजिंग हु आर स्टैटिक। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल। देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन साइकिल क्या है। इट इज द टाइम स्पेन, कितना टाइम लग रहा है किसको, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में जाने में, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड में कन्वर्ट होने में, और फिनिश गुड से अल्टीमेटली डेटर्स को बेचने में और अल्टीमेटली कैश मिलने। तो रॉ मटेरियल से यात्रा स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली कहां आपको कैश कितने टाइम बाद मिला, ये जो टाइम स्पेन है, ये जो बीच का टाइम कितना लग रहा है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन साइकिल। तो स्टूडेंट्स अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, रॉ मटेरियल से लेकर के कैश मिलने तक आपको बहुत टाइम लगता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा आपको अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, क्योंकि फिर आपका रॉ मटेरियल के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, डेटर्स के अंदर पैसा कम फंसेगा, कम टाइम के लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे, तो इसलिए आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है। छोटा इन द सेंस कि टाइम कितना लग रहा है रॉ मटेरियल से उसको कैश में कन्वर्ट होने में। देन नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस फ्लक्चुएशंस। दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस फ्लक्चुएशंस। देखिए दोस्तों बिजनेस फ्लक्चुएशंस जो है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो बूम की फॉर्म में और डिप्रेशन की फॉर्म में हो सकते हैं। अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो बूम होगी। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, तो डिप्रेशन होगा। तो अगर मार्केट में बूम आया हुआ है तो डिमांड इंक्रीज होगी, देयर विल बी मोर डिमांड। और जब डिमांड ज्यादा होगी तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिएगा, अल्टीमेटली लोग ज्यादा खरीदेंगे तो आपको कैश भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब आप एक्स्ट्रा रखोगे तो इट मीन्स यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, लार्जर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड इन द टाइम ऑफ बूम पीरियड। उसी तरह अगर डिप्रेशन आया हुआ है, मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, फिर आपको कैश की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, डेटर्स भी आपके कम होंगे, फिनिश गुड्स भी आपके कम स्टॉक में कम लगेंगे, तो सब चीजें कम होंगी, तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। तो मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है, बूम चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिएगी या ज्यादा चाहिए। देन देयर इज प्रोडक्शन पॉलिसी। देखिए स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, आप किस तरह प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, लगातार प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस कर। देखिए स्टूडेंट्स कुछ एक आइटम्स ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वुलन आइटम्स हो गई, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेदर पे डिपेंड करती हैं, मौसम पे डिपेंड करती हैं। जैसे कूलर जो है उनकी डिमांड गर्मियों में ज्यादा होगी, वुलन जो आइटम्स हैं उनकी विंटर में ज्यादा डिमांड होती है। तो ऐसी कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि जिनकी डिमांड कुछ टाइम के लिए ज्यादा होती है, उस टाइम उनको क्या करना चाहिए, तो इनके पास दो ऑप्शन है कंपनीज के पास, कि या तो वो उसी टाइम प्रोडक्शन करे जब डिमांड ज्यादा है। तो कूलर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ समर में बनाएंगे, गर्मियों में कूलर का प्रोडक्शन होगा, तो उस टाइम अगर आप ये लगा के चलते हो तो उस टाइम आपके पास काफी डिमांड होगी, आपको काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप प्रेशर में होंगे, डिमांड ज्यादा है, आपको फटाफट जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्शन करना है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, आपको उधार भी बेचना पड़ सकता है। बट अगर आपने दूसरी पॉलिसी लगाई है कि आप प्रोडक्शन जो है वो थ्रू आउट द ईयर करोगे, होल ईयर पूरा साल आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा, तो फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आराम से आपका प्रोडक्शन पूरे साल के लिए चल रहा है। तो दूसरी बात यह भी है कि अगर आप ये पॉलिसी अपनाते हो कि हम पूरे साल प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर आपको दूसरी सेंस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसको स्टॉक में रखना पड़ेगा, गोदाम में रखना पड़ेगा। तो आपका मतलब प्रोडक्शन साइकिल आपका लंबा खिंच गया ना, कि आपने बनाया तो जनवरी में और बिकेगा जाकर के दिसंबर में, वुलन आइटम अगर आपने यूं बनाई है तो ये पूरे साल के लिए आपकी स्टॉक में रहेंगी, तो यहां पे फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी।
और अगर आप ये प्रोडक्शन पॉलिसी लगाते हो कि हम लोग तो सिर्फ गर्मियों गर्मियों में ही या सर्दी सर्दी में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो फिर फटाफट आपका प्रोडक्शन चलेगा, फटाफट आपको कैश मिल जाएगा, कम आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, देन यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप सिर्फ उसी टाइम प्रोडक्शन करते हो जब आपका प्रोडक्ट बिकता होता है, तब तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप पूरा साल ही प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि गोडाउन के अंदर आपका माल पड़ा रहेगा एक साल। क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल, नेक्स्ट पॉइंट, कि आप जो सेल करते हो उसके लिए क्या तरह की क्रेडिट पॉलिसी आपने दी है, कि आप उधार में बेचते जो हो, जो आप क्रेडिट सेल करते हो, क्रेडिट सेल करना भी जरूरी होता है क्योंकि कंपटीटर जो है वो भी क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा अगर आप उधार नहीं बेचोगे तो उधार बेचना जरूरी भी होता है। तो अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हो तो किस तरह की पॉलिसी आपने अपना रखी है, वेदर इट इज ए लिबरल पॉलिसी और इट इज ए टाइट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी। लिबरल का मतलब होता है कि आपने काफी सारा टाइम दिया हुआ है डेटर्स को, कि कोई जल्दी नहीं है, आप पेमेंट कर देना 3 महीने में, 4 महीने में, इवन तक के 6 महीने में। तो अगर आपकी लिबरल पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपकी जो डेटर्स के पास पैसा है वो लंबे टाइम तक फंसा रहेगा। और अगर आपने टाइट पॉलिसी अपना रखी है कि आप बहुत ही जल्दी डेटर से पैसा ले लेते हो, ज्यादा उधार नहीं करते हो ज्यादा टाइम के लिए, फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आप जल्दी पैसा डेटर से ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू परचेज, जिस तरह आप उधार देते हो उसी तरह आपको उधार मिलता भी है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। तो अब बात आती है कि आपने जिस तरह पॉलिसी अपना रखी है उस तरह से सप्लायर ने क्या पॉलिसी आपके लिए अपना रखी है, जिससे आप माल लेते हो उधार में उसने कैसी पॉलिसी लगा रखी है। अगर वो लिबरल है, मीन्स कि उसने बहुत आपको टाइम दिया है कि कोई जल्दी नहीं है, आप 2-4 महीने में पेमेंट कर दिया करो, आपको टाइम लंबा दिया है, फिर तो आपके पास मौज हो गई क्योंकि आपको उसको पेमेंट करनी नहीं है, आप उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको बेच के कैश मिलेगा, कैश उसको पे कर दोगे। तो अगर आपको लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, अगर आपको परचेज पॉलिसी जो है, आप जिससे सामान खरीदते हो उसने आपको बड़े ही आराम से छूट दे रखी है, फिर आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप ऑलरेडी, आपके पास छूट मिली हुई है, पेमेंट करने की कोई जल्दी नहीं है। बट अगर जो सप्लायर आपको है वो टाइट पॉलिसी रखता है, उसकी पॉलिसी टाइट है, मीन्स कि वो आपको ज्यादा टाइम नहीं देता है पेमेंट रोकने के लिए, बहुत जल्दी पेमेंट की डिमांड करता है, तो उस टाइम आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपको पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो तो टाइम लगेगा ना उसको, तो अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़ा रहेगा, फिर वो डेटर्स उसको उधार में लेंगे, फिर अल्टीमेटली कैश मिलेगा। बट आपको तो रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है रोज, तो फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितना कैश रखना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है और कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉ मटेरियल की, आपको जब भी आप चाहो मिल सकता है और इजीली मिल जाता है, नजदीक ही है, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब भी आप चाहो आपको मिल जाएगा। बट ऑन द अपोजिट, अगर आपको रॉ मटेरियल दूर से लाना पड़ता है और कंटिन्यूअसली आपको अवेलेबल नहीं होगा, बहुत मुश्किल से मिलता है आपको, फिर आपको रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना होगा, इसके लिए फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आपको पे करके कैश पे करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए, और फिर वो रॉ मटेरियल जाने कब कन्वर्ट होगा सेल में, तो फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे रॉ मटेरियल भी होते हैं जो सिर्फ कुछ ही महीनों में मिलते हैं, थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलते, कंटिन्यूअसली नहीं मिलते, जैसे ऑयल हो गया, कॉटन हो गई। तो अगर आपके पास एक कॉटन मिल है या ऑयल है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो आपको पूरे साल तो मिलेगी नहीं, तो इसके लिए फिर आपको इसको स्टॉक करके रखना होता है। इन दैट केस यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। देखिए आपको बैंक से कितने जल्दी क्रेडिट मिल जाता है, लोन मिल जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपकी अच्छी गुडविल है, आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है,
अगर आपको इजीली लोन मिल जाता है, इजीली क्रेडिट मिल जाता है बैंक से, तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपको जब भी पैसा चाहिए आपको बैंक से मिल जाएगा। बट आपकी मार्केट में अच्छी पोजीशन नहीं है, गुडविल आपकी अच्छी नहीं है, या आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको लोन इजीली नहीं मिलते हैं, देन यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, फिर आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा, तो आपको अपना पहले से ही समाधान रखना होगा। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट्स, देखिए वर्किंग कैपिटल का सबसे अच्छा सोर्स तो नेट प्रॉफिट ही होता है। आप बाहर से वर्किंग कैपिटल ले रहे हो, बाहर से भी तो आप कहीं ना कहीं से तो पैसा लोगे ना, जैसे आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, ये हुआ तो ये बाहर से ही ना, तो नेट प्रॉफिट जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल अगर आपको बढ़ाना है तो नेट प्रॉफिट को आप दोबारा बिजनेस में लगा दीजिए, वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे काम आएगा। तो अगर आपके पास ज्यादा नेट प्रॉफिट है तो इससे आपको ज्यादा इंटरनल फंड्स मिल रहे हैं, जिससे कि वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा होगी। और अगर आपके नेट प्रॉफिट कम है तो फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल भी निश्चित सी बात है कि वो प्रॉफिट ही आपका एक किस्म से कैश का काम करेगा, तो वर्किंग कैपिटल आपके पास कम होगी अगर आपके प्रॉफिट्स कम है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ टैक्सेस। देखिए जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपको टैक्स भी देना होता है, तो टैक्स देने से पहले के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगर टैक्स आपका ज्यादा है, मान लो टैक्स की रेट 40% है, तो वो 40% बाहर चला गया, उतना ही कैश बाहर चला गया, उतनी ही पेमेंट बाहर हो गई है। तो जितना ज्यादा आप टैक्स का लेवल ज्यादा है कुछ कंट्रीज के अंदर या कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, उतना ही कम आपके पास प्रॉफिट बचेगा जो बिजनेस में आप रख सकते हैं। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है आपके पास, वो एज ए वर्किंग कैपिटल ही काम आता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा सोर्स है वर्किंग कैपिटल का। तो जितना ज्यादा टैक्स होगा उतनी ही कम आपके पास वर्किंग कैपिटल बचेगी, और जितना कम टैक्स होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास वर्किंग कैपिटल बच जाएगी एज ए प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो वर्किंग कैपिटल का ही सोर्स बन जाएगा। देन डिविडेंड पॉलिसी, देखिए डिविडेंड पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस चीज को निर्धारित करने में कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। देखिए डिविडेंड से क्या होता है कि आपका कैश कम हो जाता है, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो कंपनी के पास कैश कम हो जाएगा। अगर कंपनी के पास कैश कम हो गया है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कम हो गई। इट मीन्स इफ यू आर पेइंग डिविडेंड यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल फॉर योर डे टू डे बिजनेस। और अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो वो सारे का सारा बिजनेस के पास रिटेन अर्निंग के तौर पे पड़ा रहेगा, वो कैश आपके पास ज्यादा पड़ा रहेगा तो वो डे टू डे एक्टिविटीज में काम आएगा। तो इट मीन्स देन यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल इफ यू आर नॉट पेइंग द डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन पॉलिसी। देखिए गाइस क्या होता है, कंपनी जब डेप्रिसिएशन देती है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन से हालांकि कैश बाहर नहीं जाता, कैश कभी भी डेप्रिसिएशन से बाहर नहीं जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, आप प्रॉफिट एंड लॉस से उसको चार्ज करते हो, एज ए एक्सपेंस दिखाते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप डेप्रिसिएशन को शो करते हो तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट जब कम हो गया तो इससे आपका टैक्स भी कम लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम लगेगा। ये तो हो गया फायदा डेप्रिसिएशन से, ये तो एक तरफ फायदे की बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, जब आप डेप्रिसिएशन की ज्यादा रेट लगाते हो तो उससे आपका प्रॉफिट कम होता है, उससे टैक्स भी कम लगता है। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हो तो इससे प्रॉफिट कम होता है और डिविडेंड भी कम मिलता है। इधर तो बात हो गई कम टैक्स लगता है, ये तो फायदे की बात होगी शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरी अगर बात करें तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको एज ए एक्सपेंस दिखा देते हो। प्रॉफिट कम होने से जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है वो भी कम मिलता है। अब उनको डिविडेंड कम मिलता है तो उनको इस बात से प्रॉब्लम है, सो उतना ही आउटफ्लो कम हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हो तो कैश आपका बच जाएगा, आपको उस कैश को बाहर नहीं देना पड़ेगा,
टैक्स भी कम देना पड़ेगा, डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा, तो ये एक फायदे की बात है। तो अगर आप ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उससे क्या होगा, कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, कैश आपके पास पड़ा रहेगा, तो इससे इनडायरेक्टली जो है वो वर्किंग कैपिटल जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट आपका है प्राइस लेवल चेंजेस। अगर मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर चीज के, तो उससे फिर आपको मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्यों, जब हर चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, फिर जो आप डेटर्स वगैरह जो हैं वो आप कम लेंगे आपसे, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं तो उनको ज्यादा उधार देना पड़ेगा, इट मींस डेटर्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा देना पड़ेगा, डेटर्स ज्यादा देना पड़ेगा। अगर ज्यादा महंगाई हो गई है तो हो सकता है कि फिनिश गुड्स ज्यादा टाइम तक स्टॉक में पड़े रहें, तो प्रोडक्शन साइकिल भी लंबा हो जाएगा, तो इन सब कारण से आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अगर प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं, हायर प्राइस लेवल इज देयर इन द मार्केट। लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, कितने नए नए मेथड लगा रही है, उससे भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मैनेजमेंट ढंग से काम कर रही है, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रही है, तो उससे आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप रिसोर्सेज को पूरा यूज कर रहे हो। और दूसरा, अगर आप मैनेजमेंट अच्छे ढंग से काम कर रही है तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल भी कम हो जाएगा, मीन्स वो फटाफट काम करेंगे, रॉ मटेरियल को जल्दी से आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आपने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि डेटर्स को आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, जल्दी ही आपको कैश मिल जाता है, तो आपने इस तरह से मैनेज कर रखा है बिजनेस को कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल अब कम हो जाएगा। जब ऑपरेटिंग साइकिल आपका कम हो जाएगा तो इसका मतलब आपको फिर कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, ढंग से काम नहीं कर रही है, ज्यादा उनको नए टूल्स की, नए मेथड्स की नॉलेज नहीं है, वो पुराने परिपाटियों पे चल रही है, पुराने डिजाइन पे चल रही है, तो फिर आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सब फैक्टर्स थे, 16 फैक्टर्स आर देयर। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये जो टॉपिक था, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक है डीके गोयल एंड शैली गोयल, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, वहां से इस टॉपिक को लिया गया है। सो अगेन थैंक यू सो मच।